Assalamualaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today is part 2 of the lecture series about fluorescence and phosphorescence, and we shall mainly focus on Jablonski diagram in this particular lecture. So this is actually the Jablonski diagram, और हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ये जो abbreviations हैं, what is its meaning और कैसे ये phenomena of fluorescence and phosphorescence जो है वो हो रहा है. So if you see here S0 जो है वो ground electronic state है, या हम इसको कहेंगे कि ये ground singlet electronic state है, और इसमें this is that state, और यहाँ पर ये जो ऊपर लाइनें हैं these are small lines, इनको हम कहते हैं vibrational energy levels, whereas ये जो dark line है इसको हम कहेंगे कि ये ground state singlet electronic state है. अब यहाँ पर हम चलते हैं और ये देखते हैं this is S2. S2 means कि ये जो है वो excited singlet electronic state है, और उसमें this one is the electronic state, और इस electronic state के ये जो small lines हैं these are its vibrational levels. तो इस तरह ये S0 के ये vibrational levels हैं, इसी तरह S2 जो है जो कि singlet excited electronic state है उसके ये जो हैं vibrational levels हैं. इसी तरह ये S1 है, S1 जो है ये भी एक excited state है, लेकिन ये जो excited state है it is below as compared to the S2. So S1 is the first excited singlet electronic state, whereas S2 is the second singlet excited electronic state. उसके बाद ये है T1. T1 जो है इसको हम कहेंगे कि ये triplet excited electronic state है. तो जैसे हमने previous lecture में singlet, doublet और triplet और spin degeneracy की बात की थी, तो इस लिहाज से ये जो है वो systems हैं. So this is T1 और triplet excited state, ये है singlet first excited state, और ये है singlet second excited electronic state. Whereas this is S0 which is ground electronic singlet state. तो अब जैसे ही हम एनर्जी जो है वो सप्लाई करेंगे इस सिस्टम को, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल बी एक्साइटेड. तो ये एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो S1 के किसी भी वाइब्रेशनल लेवल तक जा सकते हैं, और इवन अगर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है तो बजाय के वो S1 में जाएं, दे कैन डायरेक्टली रीच टू वेरियस वाइब्रेशनल लेवल्स ऑफ S2 और सेकंड सिंगलेट इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट. लेकिन टर्म यहाँ पर सिंगलेट यूज़ हो रही है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट तो होंगे लेकिन ये दे विल रिमेन इन पेयर्ड फॉर्म, यानी कि उनकी स्पिन जो है वो पेयर्ड फॉर्म में रहेगी, और इस स्पिन को हमने बड़ा क्लियरली प्रीवियस लेक्चर में जो है वो देख लिया. आफ्टर एक्साइटेशन ये अब डी एक्साइटेशन जो है वो करेंगे. अब जब डी एक्साइटेशन होगी तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर फ़ौरन डी एक्साइटेशन होगी तो उसको हम इमीडिएट एमिशन को कहेंगे फ्लोरिसेंस, वेयर एज अगर डिलेड एमिशन होगी या डिलेड डी एक्साइटेशन होगी तो उस केस में जो फिर लाइट एमिट होगी उसको हम कहेंगे फास्फोरिसेंस. लेकिन जस्ट डी एक्साइटेशन बाय एमिशन ऑफ फोटोन ही नहीं होती, डी एक्साइटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा और मैकेनिज़म्स के ज़रिए भी होती है, तो हम उन मैकेनिज़म्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. अब देखें कि इस डायाग्राम में विच इज़ कॉल्ड एज जेब्लोंस्की डायाग्राम, जो ये वेवी एरोज़ हैं, जितने भी यहाँ पर डी एक्साइटेशन बाई वेवी एरोज़ हो रही है, इट मीन्स के दीज डी एक्साइटेशन नॉट कॉज एनी फ्लोरिसेंस और फॉस्फोरिसेंस. तो अगर आप देखें कि यहाँ पर भी ये डी एक्साइटेशन तो हो रही है लेकिन सम वेवी एरो हो रही है, इसी तरह यहाँ पर भी डी एक्साइटेशन हो रही हैं, ये भी वेवी एरोज़ की ज़रिए जो है वो हमने इनको मैंशन किया गया है. तो जो भी डी एक्साइटेशन वेवी एरो के ज़रिए होगी that will not be causing any fluorescence or phosphorescence. तो fluorescence और phosphorescence कब होगी, जब भी डी एक्साइटेशन बाई स्ट्रेट लाइन एरोज जो है हमने मैंशन की है, सो इसको हम कहेंगे फ्लोरिसेंस और फॉस्फोरिसेंस. तो ज़ाहिर है जब S1 से S0 में डी एक्साइटेशन होगी, क्योंकि स्पिन जो है वो पेयर्ड फॉर्म में है और इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्साइट कर गया है,
हाई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक सिंगलेट स्टेट में आ गया है विद स्पिन पेयर्ड है, तो इसको हम कहेंगे फ्लोरिसेंस। तो अगर आप देख रहे हैं कि ये जो 4 और 5 एरोज हैं जो कि स्ट्रेट हैं जिनमें डी एक्साइटेशन हो रही है, इसको हम कहेंगे फ्लोरिसेंस। यहाँ पर ये जो डी एक्साइटेशन हो रही है एक्साइटेड ट्रिपलेट से एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में ये जो ट्रांजिशन हो रही है इसको हम कहेंगे फास्फोरेसेंस। तो ये भी स्ट्रेट एरोस की हेल्प से हो रही है, इनको हमने मेंशन किया है, तो दीज आर ऑल एज कॉल्ड एज फास्फोरेसेंस। तो एज आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर के सिर्फ फ्लोरिसेंस और फॉस्फोरिसेंस की फॉर्म में ही एनर्जी जो है वो एमिट नहीं होती, लेकिन एनर्जी जो है वो कई रेडिएशन लेस मैकेनिज़म्स के ज़रिए भी एमिट होती है। वो रेडिएशन लेस मैकेनिज़म्स क्या हैं हम उनको जो है वो आज स्टडी करते हैं इस डायग्राम में पर्टिकुलरली। सो आफ्टर एक्साइटेशन द मॉलिक्यूल्स गेट डी एक्साइटेड बाय रेडिएशन लेस मैकेनिज़म और बाय एमिटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो जो भी एमिटिंग एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स दैट विल बी कॉरिस्पॉन्डिंग टू फ्लोरिसेंस और फॉस्फोरिसेंस। फ्लोरिसेंस तब होगी जब S1 से S0 में ट्रांजिशन होगी और फॉस्फोरिसेंस होगी जब T1 और ट्रिपलेट स्टेट से S0 में ट्रांजिशन होगी। अब अगर आप देखें कि अदर वेज जिनमें रेडिएशन लेस मैकेनिज़म्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसमें जो एक मेथड है वन वे ऑफ रेडिएशन लेस डी एक्साइटेशन मैकेनिज़म इज़ बाय वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो VR का सिंबल है इट इज़ फॉर वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में वाइब्रेट करते हैं, तो वाइब्रेशन करने से एनर्जी जो है वो जो शुरू में गेन की होती है वो लूज़ होती है। तो दीज एनर्जीज आर वेरी स्मॉल। तो इससे होता क्या है कि जो आपका मॉलिक्यूल है जो कि हायर वाइब्रेशनल लेवल तक गया होता है वो एनर्जी लूज़ करता है अनटिल के वो रीच कर जाए, और जो मिनिमम वाइब्रेशनल लेवल या लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल ऑफ द एक्साइटेड स्टेट होता है वो वहाँ पर रीच कर जाता है, फॉर एग्जांपल इस प्लेस पर आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो S2 में जाने की बजाय वो S1 तक गया है, तो वो यहाँ पर अगर आप देखें कि उस मॉलिक्यूल में रिलैक्सेशन होगी अनटिल के वो जो इलेक्ट्रॉन है वो लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल तक जो है वो पहुंच जाए। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें कि जब आफ्टर फ्लोरिसेंस हो जाएगी तो फिर मॉलिक्यूल जो है वो लोएस्ट लेवल तक जो है वो पहुँचेंगे बाय डूइंग दी वाइब्रेशनल रिलैक्सेशंस। सो वन रेडिएशन लेस मैकेनिज्म इज़ बाय वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। द टाइम पीरियड फॉर वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन इज 10^-12 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये बहुत ही कम टाइम है। जैसे ही मॉलिक्यूल एक्साइट होंगे तो विद इन 10^-12 सेकंड जो है ये वाइब्रेशनल रिलैक्सेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, और मॉलिक्यूल जो है वो जब वाइब्रेट करेगा तो ज़ाहिर है वो एनर्जी लॉस करेगा, और जब वो एनर्जी को लूज़ करेगा इन सेंस के एनर्जी जो है वो फिर फोटोन की फॉर्म में एमिट नहीं हो रही बल्कि वो वाइब्रेशंस की वजह से जो है वो रिलीज़ हो रही है, और जो आपका मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड स्टेट से ऐसा ऐसा डी एक्साइटेड स्टेट में आएगा। इट मीन्स कि जितनी वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन ज़्यादा होगी उतनी ही फ्लोरिसेंस और फॉस्फोरिसेंस जो है वो कम होगी, क्योंकि ज़ाहिर है जब वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन से एनर्जी लूज़ हो रही है तो मॉलिक्यूल जो है वो फिर उसके पास इतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो एमिट करे एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ फोटॉन। सो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन इज़ इन कंपटीशन विद आवर फ्लोरिसेंस एंड फॉस्फोरिसेंस। इसके बाद जो एक सिर्फ वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन जो है वही एक फिनोमेना नहीं है, अदर डी एक्साइटेशन मैकेनिज़म्स जो कि नॉन फोटोन एमिशन फॉर्म में हो रही हैं उनमें जो अदर फिनोमेना है उनमें एक है इंटरनल कन्वर्जन, सेकंड है एक्सटर्नल कन्वर्जन, एंड थर्ड है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन जो है वो तो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी लूज़ होती है वो हमने देख लिया है, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय VR। इसके बाद है इंटरनल कन्वर्जन। ये इंटरनल कन्वर्जन क्या है कि व्हेन सिस्टम जो है वो S2 से कन्वर्ट हो जाए S1 में। S2 क्या है कि वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है और S1 क्या है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो जब मॉलिक्यूल जो है वो लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से जंप करता है इनटू द हाईएस्ट वाइब्रेशनल लेवल ऑफ फर्स्ट सिंगलेट इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट, तो इस ट्रांजिशन को हम कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन।
और इसमें भी जो अगर आप देखें कि हमने वेवी एरो से शो किया गया है इसको भी, और इसमें भी एनर्जी जो है वो फोटोन की फॉर्म में एमिट नहीं होती। इसके बाद जो सेकंड फिनोमेना है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कन्वर्जन। एक्सटर्नल कन्वर्जन क्या है कि इसको हमने रिप्रेजेंट किया है ईसी, और यहाँ पर भी हमने इसको रिप्रेजेंट किया है ईसी से। ईसी में क्या है कि जब मॉलिक्यूल जो है वो अपनी एनर्जी अदर मॉलिक्यूल्स जो सिस्टम में मौजूद हैं उनको ट्रांसफ़र कर देता है इन दी फॉर्म ऑफ हीट, इन दी फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस, इन दी फॉर्म ऑफ साउंड और समथिंग, जो भी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है जब वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कन्वर्जन। सो बोथ इंटरनल कन्वर्जन एंड एक्सटर्नल कन्वर्जन ट्रांजिशंस आर इन कंपटीशन विद फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर ये ट्रिपलेट स्टेट से ट्रांजिशन जब एस नॉट में होगी, T1 से एस नॉट में होगी तो वो होगी फॉस्फोरेसेंस, और अगर S1 के लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल से एनी वाइब्रेशनल लेवल ऑफ एस नॉट जब ट्रांजिशन होगी तो उसको हम कहेंगे फ्लोरेसेंस। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट ही इंटरनल कन्वर्जन या एक्सटर्नल कन्वर्जन के ज़रिए करेगा तो फिर जो है वो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस नहीं होगी, फिर एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में, वाइब्रेशंस की फॉर्म में और इस तरह के अदर रेडिएशन लेस मैकेनिज़म्स के ज़रिए जो है वो एनर्जी एमिट हो रही है, तो वो एनर्जी फिर फोटॉन्स की फॉर्म में एमिट नहीं होगी, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच उस मॉलिक्यूल में फिर फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस के चांसेस जो हैं वो कम होंगे। सो दैट इज़ वाई बोथ इंटरनल कन्वर्जन एंड एक्सटर्नल कन्वर्जन दे आर इन कम्पिटिशन विद द फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। इसके बाद थर्ड एक मैकेनिज्म रेडिएशन लेस मैकेनिज्म है, उसको हम कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ये भी बिल्कुल इंटरनल कन्वर्जन की तरह है कि इंटरनल कन्वर्जन क्या है कि द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी फ्रॉम द लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल ऑफ एक्साइटेड सिंगलेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट टू हाईएस्ट वाइब्रेशनल लेवल ऑफ द लोअर सिंगलेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। लेकिन दोनों जो हैं वो उनकी स्पिन जो है वो उसमें सेम रहेगी, स्पिन पेयर्ड है, तो ये S2 है और ये S1 है। लेकिन जब S1 से ट्रांजिशन होगी इनटू T1, यानी कि यहाँ पर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन चेंज हो जाएगी, वो S1 से शिफ्ट होगा इनटू T1, ठीक है। तो इस ट्रांजिशन को हम कहेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और डेफिनेटली इसमें स्पिन जो है उसको इन्वर्ट होना पड़ेगा। स्पिन जो है अगर आप देखें कि ग्राउंड में कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर उसकी स्पिन यहाँ पर है, जो S1 था उसमें स्पिन यहाँ पर थी, तो अगर आपने इस S1 से T1 में चेंज होना है तो इसकी स्पिन को ग्राउंड स्टेट से जो है वो अगेन वही स्पिन होगी जो ग्राउंड स्टेट में है, तो स्पिन को जो है वो इस यहाँ पर प्रोसेस में इन्वर्ट होना पड़ेगा। दैट इज़ वाई दिस ट्रांजिशन इज़ कॉल्ड एज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो इसका मतलब ये है कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में भी जो है वो एनर्जी तो लूज़ हो रही है, और आफ्टर देन वाइब्रेशनल रिलैक्सेशंस होती हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइनली इस स्टेज तक जो है वो पहुंच जाता है। तो एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दीज थ्री टाइप्स जो आपकी एनर्जी है वो और ज़रिए से जो है वो एमिट हो रही है, वो फोटोन की फॉर्म में जो है वो एमिट नहीं हो रही। तो लेकिन इसीलिए जो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस है फिर उसकी टेंडेंसी या उसका जो हैपनिंग है वो कम हो रही है, एंड ड्यू टू दीज रीजंस हर मॉलिक्यूल जो है वो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस करता भी नहीं है, कि जाहिर है उनमें फिर ये इंटरनल कन्वर्जन, एक्सटर्नल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग या वाइब्रेशनल रिलैक्सेशंस जो हैं वो ज़्यादा हो रही होंगी एज़ कम्पेयर टू फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। सो नेक्स्ट हमने देखना है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फ्लोरेसेंस की एफिशिएंसी को जो है वो बढ़ाते हैं। तो फ्लोरेसेंस की एफिशिएंसी को जो है वो हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, देयर एज दिस इज IF विच इज एक्चुअली द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस एंड इट इज़ इक्वल टू 2.303 K5F P0 EBC। वेयर एज ये जो EBC की टर्म है ये BA-Lambert law से आई है, P0 जो है ये वो लाइट है जो कि हम स्ट्राइक करवाएंगे, जो फाई एफ है इट इज़ एक्चुअली दी एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरेसेंस के जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड 2.303 जो है ये लॉ की वजह से है। सो ये इक्वेशन है।
जो फ्लोरिसेंस है ये मोस्टली उन सिस्टम्स में होती है जिनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस जो हैं वो होती हैं। इसके अलावा ये उन सिस्टम्स में होगी विच हैव रिजिड एरोमेटिक साइक्लिक स्ट्रक्चर्स विद नो सब्स्टिट्यूएंट्स एंड नो हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप्स। देखें, अगर आपके रिंग में नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन या इस तरह की चीज़ें इंसर्ट हैं, हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप्स हैं, तो तब ट्रांजिशंस की ये जो फ्लोरिसेंस की एफिशिएंसी है वो कम होगी। हाउएवर, अगर सिस्टम आपका रिजिड है और उसमें बहुत सारे एरोमेटिक रिंग्स अटैच हैं तो उस सिस्टम में फ्लोरिसेंस जो है वो ज़्यादा होगी। सिमिलरली, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरिसेंस व्हाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी। अगर आप इन रिंग्स के साथ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगाएंगे तो ज़ाहिर है वो सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करेंगे, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ट्रांजिशंस कम होंगी। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगाएंगे तो एफिशिएंसी जो है वो फ्लोरिसेंस की बढ़ेगी। टेम्परेचर राइज डिक्रीजेज द फ्लोरिसेंस ड्यू टू एक्सटर्नल कन्वर्जन। देखें, जितना हम टेम्परेचर जो है वो बढ़ाएंगे उतनी ही आपका जो मिक्सचर है उसमें मूवमेंट होगी, उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कोलिजन करेंगे, जितने कोलिजन ज़्यादा होंगे उतनी ही वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन के ज़रिए एनर्जी एमिट होगी और फिर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एमिट नहीं होगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो फ्लोरिसेंस है वो आपकी डेफिशिएंट कर जाएगी। सो इसलिए जितना सिस्टम को के टेम्परेचर को हम कम रखेंगे उतनी ही फ्लोरिसेंस जो है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट है डिक्रीज इन द सॉल्यूशन विस्कोसिटी डिक्रीज द फ्लोरिसेंस एफिशिएंसी। ज़ाहिर है जितनी आप विस्कोसिटी को कम करेंगे, सॉल्यूशन जितना आपका पतला होगा, जितनी उसमें मूवमेंट ज़्यादा होगी उतनी ही वाइब्रेशन रिलैक्सेशन जो है वो ज़्यादा होगी। सो दीज टू फैक्टर्स बोथ ऑपरेट इन अ सिमिलर वे, तो इसलिए जो सॉल्यूशन की विस्कोसिटी है वो भी कम होनी चाहिए ताकि मॉलिक्यूल्स में कम वाइब्रेशंस हों, कम मूवमेंट हों, और जब कम मूवमेंट होंगी तो वो कम एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे एक दूसरे के साथ, तो इसलिए जो ज़्यादा एनर्जी फिर ट्रांसफ़र होगी या जो रिलैक्सेशन होगी एनर्जी की वो इन दी फॉर्म ऑफ फोटॉन्स होगी रैदर दैन वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन और इंटरनल कन्वर्जन और एक्सटर्नल कन्वर्जन। सिमिलरली, अगर आप पीएच को चेंज करेंगे तो एफिशिएंसी जो है वो फ्लोरिसेंस की कम ज़्यादा होगी, क्योंकि पीएच को चेंज करेंगे तो इवन आपका जो मॉलिक्यूल है जिसमें फ्लोरिसेंस हो रही है उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है। सिमिलरली, अगर आप वो वेवलेंथ जो कि एक्साइटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो चेंज करेंगे तो फ्लोरिसेंस जो है वो उसकी एफिशिएंसी जो है वो अफेक्ट होगी। इसके बाद नेक्स्ट है फास्फोरिसेंस एफिशिएंसी। तो फास्फोरिसेंस एफिशिएंसी को भी सेम हमने दैट इक्वेशन से प्रेजेंट किया है, वेयर 5P इज द एफिशिएंसी ऑफ फास्फोरिसेंस। फास्फोरिसेंस जो है ये मोस्टली उन सिस्टम्स में होती है जिनमें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होंगी, ठीक है, और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस उन सिस्टम्स में होती हैं जिनमें सिस्टम्स में आपके एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन साथ में उनमें कार्बोनाइल ग्रुप्स भी अटैच होते हैं या साथ हेट्रो एटम्स जो है वो अटैच होते हैं, लाइक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। सो इन सिस्टम्स में एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होती हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है पाई स्टार ऑर्बिटल्स में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो तब जो है वो ट्रांजिशंस होंगी और दैट इज़ द रीज़न उनमें जो है वो फॉस्फोरिसेंस होगी। नेक्स्ट है कि इंक्रीज इन द फॉस्फोरिसेंस डिक्रीज द फ्लोरिसेंस एंड वाइस वर्सा। ज़ाहिर है कि अब ट्रांजिशंस जो हैं अगर फॉस्फोरिसेंस के ज़रिए हो रही है तो ज़ाहिर है फ्लोरिसेंस कम होगी, लेकिन अगर फ्लोरिसेंस के ज़रिए ट्रांजिशंस हो रही हैं तो फिर फॉस्फोरिसेंस कम होगी। जस्ट लाइक फ्लोरिसेंस, फॉस्फोरिसेंस कैन बी एनहांस बाय डिक्रीजिंग इन एक्सटर्नल कन्वर्जन, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी, डिपॉजिटिंग द मटेरियल ऑन सॉलिड स्पॉट और कैप्चरिंग द एनालाइट इनसाइड अ कैविटी इन अ सॉल्यूशन। देखें, जितनी भी आप मॉलिक्यूल की मूवमेंट्स जो हैं उनको जितना भी आप रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो तब जो है वो बोथ आपकी फ्लोरिसेंस भी बढ़ेगी और फॉस्फोरिसेंस भी बढ़ेगी। तो जब आप ज़ाहिर है टेम्परेचर को कम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कम होगी, जब आप विस्कोसिटी को कम करेंगे तो मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो है वो कम होगी और एज अ रिजल्ट ऑफ विच फ्लोरिसेंस एंड फॉस्फोरिसेंस जो है वो बढ़ेगी। इवन ये रिपोर्ट हुआ है कि अगर आप जो मटेरियल है जिसको आपने फ्लोरिसेंस और फॉस्फोरिसेंस डिटरमिन करनी है उसको बजाय कि आप सॉल्यूशन में स्टडी करें आप उसको पेस्ट करें किसी सॉलिड सपोर्ट के ऊपर तो फ्लोरिसेंस या फॉस्फोरिसेंस की एफिशिएंसी बढ़ती है। सिमिलरली, अगर आप कोई माइसील जो है वो सॉल्यूशन के अंदर क्रिएट करें, कोई कैविटी क्रिएट करें जिससे आपकी जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट कर जाएगी तो आपकी फॉस्फोरिसेंस और फ्लोरिसेंस बोथ एफिशिएंसीज जो हैं वो एनहांस होंगी। अगर हम जनरली इन कंपैरिजन देखें फ्लोरिसेंस एंड फॉस्फोरिसेंस का, तो क्योंकि फॉस्फोरिसेंस में जो स्पिन इन्वर्जन इन्वॉल्व है तो इसीलिए फॉस्फोरिसेंस की ओवरऑल यील्ड जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरिसेंस।
तो फ्लोरेसेंस जो है वो मोस्ट प्रोबेबल मेथड है या मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी भी ट्रांजिशन की, अगर वो फोटोनिक मैकेनिज्म के ज़रिए होगी तो वो फ्लोरेसेंस के ज़रिए होगी रैदर दैन फॉस्फोरेसेंस। सो ये था थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। नाउ यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो हैं वो ऑलवेज उनमें फॉस्फोरेसेंस क्यों होती है। उसकी वजह क्या है कि ये जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं ये आउट ऑफ द प्लेन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें ये दो एनर्जी लेवल्स हैं, ये एनर्जी लेवल पाई है और ये जो है एनर्जी लेवल पाई स्टार है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड की फॉर्म में पड़े हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा और ऊपर ट्रांसफ़र कर जाएगा, वेयर एज इसकी स्पिन जो है वो पेयर्ड फॉर्म में होगी। लेकिन जो आपके नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर आउट ऑफ द प्लेन। अगर आप इस ऑर्बिटल को पाई स्टार लें और इसको आप एन लें तो अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस फॉर्म में पड़ा हुआ है तो जो पाई स्टार है उसमें, और ये अगर आपकी ग्राउंड स्टेट है तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा तो ये अपनी सेम स्पिन के साथ जो है वो पाई स्टार में ट्रांसफ़र होगा। तो क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन जो है वो दोनों ऑर्बिटल्स पड़े हैं, ये एन है और ये पाई स्टार है, तो इनमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक ही स्पिन के साथ जो है वो मूव करेंगे। तो इफ़ यू सी हेयर कि अगर हम इन तीनों का कंपैरिजन यहाँ पर करें तो ये जो है वो पाई है, ये एन है और ये जो है वो पाई स्टार है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें ये ग्राउंड में ये स्टेट है, एक्साइटेड में ये है, तो पाई स्टार में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेगा और ये ट्रांसफ़र होगा लाइक दिस। लेकिन एन जो है उसमें जब हम बात करेंगे ट्रांजिशन की तो उसमें सिचुएशन ये होगी कि ये पाई है, ये एन है और ये पाई स्टार है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो एन में भी इलेक्ट्रॉन जो है क्योंकि वो प्लेन से बाहर होता है तो उसकी स्पिन जो होती है वो ग्राउंड वाले के कंपैरिजन में होती है, और इसी तरह ही सेम स्पिन के साथ वो पाई स्टार में जो है वो मूव कर जाता है। तो इस तरह फिर ग्राउंड की और जो एक्साइटेड स्टेट की जो स्पिन है वो सेम रह जाती है। तो इसीलिए जो फॉस्फोरेसेंस है उसमें फिर जो एक्साइटेड स्टेट है वो ट्रिपलेट स्टेट होती है और स्पिन जो है वो सेम होती है। अब इसको ग्राउंड स्टेट में आना है, यानी कि इसको दोबारा जो है अगर आपने इसको ग्राउंड स्टेट में लेके आना है तो इसको फिर अपनी स्पिन जो है वो चेंज करना पड़ेगी। तो इसीलिए जो फॉस्फोरेसेंस की ट्रांजिशंस हैं वो एन टू पाई स्टार सिस्टम्स में होती हैं, वेयर एज जो फ्लोरेसेंस में जो ट्रांजिशंस हैं वो पाई टू पाई स्टार सिस्टम्स में होती हैं। सो नेक्स्ट इफ़ यू सी हेयर कि ये एग्जाम्पल है मॉलिकुलर एक्साइटेशन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा की, तो अगर आप देखें कि ये जो हाइलाइटेड पोर्शन है ये एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम है, तो इसमें अगर आप देखें दो पीक्स हैं तो जो एस नॉट से एस टू में ट्रांजिशंस हुई हैं उसकी इंटेंसिटी कम है। वो कम इसलिए है कि देयर इज़ लेस चांस के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डायरेक्टली एस नॉट से एस टू में चले जाएं, वेयर एज जो प्रोबेबिलिटी है ट्रांजिशंस की एस नॉट से एस वन में वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो एस नॉट से एस वन में जाएंगे एज कम्पेयर टू एस नॉट से डायरेक्टली इनटू एस टू। सो दिस इज़ एक्चुअली दी एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम के जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है इन ऑर्डर टू कैरी दी एक्साइटेशंस और इन ऑर्डर टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड एस नॉट टू एस टू एंड एस वन। उसके बाद फिर अगर आप ये देखें ये दो ग्राफ जो हैं ये फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस के हैं, तो अगर आप देखें कि इंटेंसिटी जो है वो फ्लोरेसेंस की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरेसेंस। तो ये जो शेप्स हैं दीज शेप्स आर एक्चुअली ऑफ फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंट एमिशन स्पेक्ट्रम। तो दीज इंडिकेट्स के एक ही सिस्टम के अंदर जो है वो फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस जो है वो पॉसिबल है, लेकिन ऑलवेज जो फॉस्फोरेसेंस की यील्ड है वो कम आएगी ड्यू टू द स्पिन चेंज और द कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व्ड इन एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।